तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के पश्चिमी यमुना नहर की। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एक दर्दनाक हादसा होता है। आप ये देख सकते हैं मोटरसाइकिल है और किस प्रकार से चकनाचूर हो जाती है। जी हाँ, मोटरसाइकिल है और आगे से किस प्रकार से चकनाचूर हो जाती है पश्चिमी यमुना नहर की। इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले का ये हादसा है और इस मोटरसाइकिल का नंबर भी हम आपको बता दें। आप ये देख सकते हैं ये मोटरसाइकिल का नंबर है HR05BC1309। इस मोटरसाइकिल का नंबर है और आप ये देख सकते हैं कि मौके पर जो डायल 112 की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं इस ट्रैक्टर के साथ, जी हाँ ट्रॉली ट्रैक्टर था और इस ट्रैक्टर के साथ ये हादसा होता है। इस ट्रैक्टर का नंबर भी हम आपको बता दें। हालांकि आप ये देख सकते हैं आगे से जो इसका नंबर है वो नहीं है और थोड़ी देर पहले ये एक्सीडेंट हुआ है। ये जो मोटरसाइकिल सवार था कितनी उसको चोटें लगी हैं वो भी हम आपको बताने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं पश्चिमी यमुना नहर की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां मोटरसाइकिल और ट्रैली ट्रैक्टर के बीच में जो है एक ज़बरदस्त टकराव हो जाता है। और ये देखिए किस प्रकार से जो पहिया है वो आगे से किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाता है। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। थोड़ी देर पहले की ये घटना बताई जा रही है और वहीं दूसरी ओर डायल 112 की जो टीमें हैं वो भी मौके पर जरूर पहुंची हुई हैं। और ये आप देख सकते हैं टकराव कितना ज़बरदस्त रहा होगा। जो मोटरसाइकिल है वो आगे से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये आप देख सकते हैं स्प्लेंडर ये बाइक है। इस बाइक का नंबर हम आपको बता दें HR05BC1309 इस बाइक का नंबर है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। पश्चिमी यमुना नहर की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां थोड़ी देर पहले जो है एक हादसा होता है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को शेयर करें। और पुलिस की भी यहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। कुछ चश्मदीद है, बात कर रहे थे, आपने देखा था क्या कुछ हादसा था ये? नहीं, हमारे से पहले हो चुका था जी हादसा। तो हमने तो देखा था दोनों जो घायल पड़े थे, एक को गाड़ी में उठा के लेके चले गए थे। क्या उसकी कैसी तबीयत है? वो तो ठीक है जी। दूसरे वाला एम्बुलेंस में लेके गए, जो वो जो बाइक चला रहे थे वो कैसे? जो बाइक हमने देखा जी कौन बाइक चला रहा था, दोनों जो बाइक पे थे दो सवारी थी, तो एक तो ज़्यादा सीरियस है जी और एक बोल जवाब देगा जी, डेड हो गया जान जी। डेड हो गया? हाँ, डेड हुआ। दोनों सरदार थे जी दोनों। अच्छा, बाइक पर थे? हाँ जी, बाइक पर दोनों सरदार थे। दोनों सरदार थे जी। अच्छा, डेड कौन हुआ? डेड एक डेड हो गया जी। ये तो पता नहीं कौन सा डेड हुआ, कौन बाइक चला रहा था, कौन पीछे बैठा था। अच्छा, ये अभी पता नहीं चला? नहीं जी। तो आप यहाँ से निकल रहे थे? मैं तो रनिंग कर तो आ रहा था जी, उसे करण लेक की साइड से आ रहा था, देखे तो दोनों घायल पड़े थे जी यहाँ पे। हाँ जी। तो फिर मौके पर आपने 112 को फोन किया? गाड़ी में बिठा के तो एम्बुलेंस तो बुलाई थी, इतना टाइम लगे, बहुत ज्यादा टाइम लगा लिया। तो मैंने बोला गाड़ी वाले को, भाई गाड़ी में अपने एक को तो लेकर चल, किसी की तो जान बचेगी। तो कितने देर पहले की घटना है ये? ये कम से 15 मिनट ही होगी जी, 10-15 मिनट। 15 मिनट? हाँ जी, हाँ जी। तो 15 मिनट के आसपास पहले की ये घटना है और पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजकुमार जी इस वक्त मौजूद है और बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति डेड है। चश्मदीद की अगर हम माने तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि एक व्यक्ति डेड है। दो सरदार थे जो कि इस मोटरसाइकिल पर सवार थे। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य कर दें। हरियाणा के करनाल ज़िले की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो मोटरसाइकिल है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। पाजी, कोई पहचान हो पाई है कौन लोग हैं ये? कोई पहचान नहीं हो पाई? आप होने आए हम तो पता भी नहीं एक्सीडेंट हुआ भाई। तो आप देख सकते हैं बाइक का नंबर हम आपको बता दें दोबारा से, HR05BC3109 इस मोटरसाइकिल का नंबर है। स्प्लेंडर ये मोटरसाइकिल है। तो जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें। ये व्यक्ति कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बताया जा रहा है कि इस मोटरसाइकिल पर दो सरदार थे। जी हाँ, दो सरदार थे, लेकिन ये व्यक्ति कहाँ के हैं, कहाँ के नहीं, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और वहीं दूसरी ओर आप देख सकते हैं डायल 112 की जो गाड़ियाँ हैं वो मौके पर पहुँची हुई हैं और जो स्थानीय आईओ हैं उनसे भी बात करने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे। पश्चिमी यमुना नहर की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो राजकुमार जी हैं वो कहीं ना कहीं पूछताछ जरूर करते हुए नज़र आ रहे हैं। चश्मदीद यहाँ पर पहुँचे हैं। राजकुमार जी, क्या कुछ जानकारी है, कहाँ के ये रहने वाले लोग हैं, कुछ पता है आप? बस अभी तक तो ये कुछ नहीं पता लगा भाई मेरे। अभी तो फिलहाल इन जेड को अस्पताल भेज दिया है और एक
और एट दिस स्पॉट मौत हो गई है, उसको मचरे हाउस भेज दिया है। बाकी आगे जैसी भी कार्रवाई होगी। सर सरदार कोई सरदार थे जो ये चलाए? भाई अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता कौन थे, हम तो अभी आए हैं मौके पे। ट्रैक्टर ट्रॉली वाला भाग गया जी? हाँ वो भाग गया है मौके से। ट्रॉली को कब्जे में ले जाएगा? वो ट्रॉली को कब्जे में लिया जाएगा, मोटरसाइकिल को भी कब्जे में लिया जाएगा। लोगों से क्या अपील करेंगे, रात का अंधेरा है, सफर धीरे से करें? भाई लोगों से तो यही अपील करेंगे भाई, रात का समय है, अपना सफ़र जो है शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक करें और अपने आप बचा कर दूसरों को बचाने की कोशिश करें। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, राजकुमार जी मौके पर पहुंच चुके हैं और किस प्रकार से बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति डेड हो चुका है। और ये आप देख सकते हैं, ये चश्मदीद थे, इन्होंने जानकारी दी पुलिस को। जो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर अवश्य करें। ये व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं मालूम है। तो जितने भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। अभी कन्फर्म नहीं है क्या वास्तव में ये व्यक्ति डेड है, बताया जरूर जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं HR05BC1309 इस बाइक का नंबर है। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। लगातार जो सड़क हादसे हैं वो कहीं ना कहीं जरूर देखे जा रहे हैं। पश्चिमी यमुना नहर की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर किस प्रकार से ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक के बीच में टकराव हो जाता है। बताया ये जा रहा है कि इस बाइक पर दो लोग सवार थे और दोनों ही सिख युवक थे और किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर घायल हो जाते हैं। घायलों को उपचार के लिए करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भेज दिया है। ये व्यक्ति कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन व्यक्तियों की पहचान हो पाए। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहेगा करनाल 24।